मेरे पास एक स्पाइडरमैन है और उसको मैं अपनी मेन जो वेबसाइट है उसके अंदर रीडायरेक्ट करने वाला हूँ, माइग्रेट करने वाला हूँ, फॉरगेट करने वाला हूँ या 301 का रीडायरेक्ट कोड लगाने वाला हूँ, तो मैं कैसे एक स्पाइडरमैन को उस मेरी जो मेन वेबसाइट है उससे लिंक करने वाला हूँ, वो मैं आपको गोडेडी और होस्टिंगर दोनों के अंदर बताने वाला हूँ। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट होस्टिंगर से बाई यानी आपका जो डोमेन है वो होस्टिंगर के अंदर है तो आप कैसे इसे लिंक करोगे, यानी एक स्पाइडरमैन आपने बाई कर लिया उसको कैसे अपनी मेन वेबसाइट के अंदर लिंक करोगे, माइग्रेट करोगे, फॉरवर्ड करोगे या 301 का रीडायरेक्ट कोड लगाओगे, वो कैसे करोगे होस्टिंगर के अंदर, वो बताने वाला हूँ। और गोडेडी के अंदर ये सब कैसे होगा वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं गोडेडी के अंदर। अब जिनका डोमेन गोडेडी पर रजिस्ट्रेशन है वो आएगा माय प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे डीएनए का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको फॉरवर्डिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर यहाँ पे ऐड फॉरवर्डिंग पर क्लिक करना है, डोमेन वाले पर, सब डोमेन पर क्लिक ही नहीं करना है आपको, ऐड डोमेन पर क्लिक करना है यानी ऐड फॉरवर्डिंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आते हैं हम। अब यहाँ पे हमें एक HTTP के नाम से मिलता है और यहाँ पे एक URL का सेक्शन मिलता है और यहाँ पे एक कोड मिलता है 301 का। अब हमें क्या करना है, अगर आपके डोमेन यानी जो एक्सपायर डोमेन है उसमें HTTP है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, अगर HTTPS है तो ये सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो आपका एक्सपायर डोमेन है उसको उसकी लिंक डालनी है और यहाँ पे आपको ये 301 का जो कोड है उसको रहने देना है, यानी कि ये जो कोड आप देख रहे हो 301 का, इसे रहने देना है, इस पर ही क्लिक रखना है और अदर ये दो है उस पर क्लिक मत करना, सेव कर लेना। आपका एक्सपायर डोमेन आपकी मेन वेबसाइट के अंदर रीडायरेक्ट हो चुका है। तो ये है गोडेडी के अंदर। अब आते हैं होस्टिंगर के अंदर। होस्टिंगर के अंदर आपको रीडायरेक्ट करने का ऑप्शन देता ही नहीं है। अब हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें जाना होगा अपने क्लाउडफेयर के अकाउंट के अंदर। अब क्लाउडफेयर गूगल का ही प्रोडक्ट है तो यहाँ पे मैंने अपनी एक वेबसाइट को एक्टिव किया हुआ है। अब इसे मैं अपनी यानी ये मेरी मेन वेबसाइट है, इसको मैं एक अलग वेबसाइट के अंदर यानी जो मेरी मेन वेबसाइट है उसके अंदर रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पर आपको आना है, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, रूल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो क्रिएट रू पेज इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फॉरवर्डिंग URL। तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है, चला गया। यहाँ पे अगर आप आओगे ना नीचे तो यहाँ पे आपको फॉरवर्डिंग URL मिल जाएगा। यहाँ पे देखो फॉरवर्डिंग URL, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 301 का रीडायरेक्ट जो कोड है उसको ही लगाना है। फिर यहाँ पे आपका जो भी मेन डोमेन है जिस पर आप ये जो डोमेन है जो एक्सपायर डोमेन है उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। आपका मैक्सिमम 7, 8, 10, 12 दिनों के अंदर जितनी भी इसकी बैकलिंक DA है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी आपके मेन डोमेन के अंदर, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस थी होस्टिंगर और गोडेडी की जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। और YouTube पर इस प्रकार की जो वीडियो अब तक किसी ने नहीं बनाई है तो मैंने बना दी, क्योंकि मेरा जो लास्ट कुछ दिनों का जो वीडियोज़ हैं वो एक्सपायर डोमेन पर ही है। तो एक्सपायर डोमेन की हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपको एक्सपायर डोमेन के बारे में और जानना है तो आप यहाँ पे ये जो एक्सपायर डोमेन के नाम से प्लेलिस्ट है इसको वॉच कर सकते हो। जस्ट अभी तक इसमें टोटल जो वीडियोज़ हैं वो 5 हैं, 5 के अंदर नेक्स्ट लेवल जो नॉलेज है वो मैंने शेयर किया है, जितना मुझे पता है वो मैंने शेयर किया है, ठीक है। तो वो आप इन वीडियो के द्वारा जान सकते हो और क्या होता है एक्सपायर डोमेन, कैसे वर्क करता है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, वो भी आप जान सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताना, और ऐसी और वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको कुछ भी जानना या कुछ भी पूछना है तो मुझे अपने मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है यहाँ पे आप देखो इस पर क्लिक करना है और या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस पर क्लिक करना है, और ये ऑनलाइन क्रेडिट के इंस्टाग्राम पर आ जाना और यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा उस पर क्लिक कर देना। आपको मैं लगभग 2 या 3 घंटे के बाद रिप्लाई दे दूंगा। और ऐसे मज़ेदार कॉन्टेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।